जय हिंद देवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। जिसने भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को, एथर एनर्जी के इलेक्ट्रिक स्कूटर को या कोई भी ईवी को खरीदा है, उसके पेंट को प्रोटेक्ट करने के आपके पास कई मेथड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं अगर आप बाहर से करवाते हैं तो। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, साथ में आपको ड्यूरेबिलिटी भी देगा और रिलायबल भी है। वैसे तो पेंट प्रोटेक्शन करने के कई मेथड हैं, जैसे कि आप सेरेमिक कोट करा लीजिए, टेफ्लॉन कोट करा लीजिए, पीपीएफ भी करा सकते हैं, लेकिन ये बाहर से काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। ऐसे में आपको मोस्ट इकोनॉमिकल या चीप मेथड जो मैं आपको बताना चाहूँगा आज, वो है DIY, यानी कि खुद कर सकने वाला सेरेमिक कोट। और ये सुपर सेरेमिक कोटिंग जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ये रही सुपर सेरेमिक कोटिंग का डिब्बा जो मैंने आज मंगवाया है और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और आप चाहें तो अपने व्हीकल पे इसको यूज़ कर सकते हैं। खासकर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले लोगों के लिए मैं ये प्रिस्क्राइब करना चाहूँगा। हालाँकि ये वीडियो बिल्कुल भी पेड नहीं है, ना ही ये स्पॉन्सर्ड है। हालाँकि सुपर सेरेमिक कोटिंग का ये डिब्बा मैंने मंगवाया है सिर्फ ये जान के कि कौन सी कोटिंग रिलायबल है। वैसे तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे जो आपको सुपर सेरेमिक कोटिंग या 9H कोटिंग का दावा करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप एक जेन्युइन सेरेमिक कोट कोई खरीदे जो आपके पेंट प्रोडक्शन को बरकरार रखे, ना कि उसको खराब कर दे, क्योंकि कई फेक मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में हैं। ऐसे में मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि आप सुपर सेरेमिक कोटिंग ही खरीदें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप इनके वेबसाइट से ही इसको खरीदें। ये केरला बेस्ड मैन्युफैक्चरर हैं और अच्छी सेरेमिक कोटिंग बनाते हैं जो काफी रिलायबल है। बेसिकली सेरेमिक कोटिंग करता क्या है, ये आपके पेंट के ऊपर एक पतली सी लेयर यानी कि माइक्रोन 1 माइक्रोन टू 1.5 माइक्रोन की एक लेयर बिछा देता है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर रेपेलेंट होती है। आप इसके ऊपर वाटर या डस्ट को डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से चिपकती नहीं है, तो आपको काफ़ी क्लीन करने में आसानी होती है, व्हीकल को धोने में भी आसानी होती है, जिसके बाद आपको ज़्यादा डर्ट का सामना नहीं करना पड़ता जो चिपकी होगी, और आप आराम से अपने व्हीकल को साफ कर सकते हैं। साथ ही ईयर्स बाई ईयर्स आप इसके ग्लॉस को भी मेंटेन कर सकते हैं, ये ग्लॉसी फिनिश पे भी कर सकते हैं और साथ साथ आपको मैट फिनिश पे भी कर सकते हैं। चलिए बॉक्स को मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको इस बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है और आपको कैसे ये कोटिंग करनी है। फिलहाल कोटिंग करने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है, आप वेबसाइट पर जाके इसके वीडियोस भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर जाके भी इसके वीडियोस देख सकते हैं। जिगजैग मैनर में एप्लीकेटर लेना है, उस पर 3-4 बूंदों को डालना है और बस आपको गाड़ी के ऊपर जिगजैग पैटर्न में लगा देना है। बाद में 1-2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, जो भी आपका प्रिस्क्राइब टाइम है मैनुअल में लिखा हुआ है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, वो आपको एक्स्ट्रा सर्फेस जो है एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से विप देना है, जिसके बाद आपको 24 घंटे अपने व्हीकल को बाहर नहीं ले जाना है। इसका क्यूरिंग टाइम जो है वो 24 घंटे है, 24 घंटे बाद आप व्हीकल को बाहर ले जा सकते हैं और नॉर्मली चला सकते हैं। अगर आप और भी अच्छी प्रोडक्शन अपने पेंट पे चाहते हैं तो कृपया आप दो कोट भी कर दें, दो कोट भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक कोट और दूसरे कोट के बीच में आपको मिनिमम 4 घंटे का डिफरेंस रखना है, जिसके बाद आप दूसरा कोट करके इसे क्यूरिंग के लिए छोड़ सकते हैं 24 घंटे के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फिलहाल सुपर सेरेमिक कोटिंग का पैकेज जो है वो आपके सामने रखा हुआ है और ये मैंने इनके सीधे इनकी वेबसाइट से ही मंगवाया है। चलिए आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके साथ में मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी ऑर्डर किया था, तो इसकी टोटल कॉस्ट जो थी 1200+150 की, ये मुझे सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो इस तरीके से कुछ आपको मिल जाएगा ये, और आपको चलिए इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर दिया है। सबसे ऊपर तो आप देख सकते हैं एक सेरेमिक कोटिंग तो अंदर है और उसके ऊपर एक माइक्रोफाइबर का टॉवल जो है वो उन्होंने इंसर्ट करके दिया हुआ है। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है, साथ ही मैं और चीज़ें भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें आपको एक सुपर सेरेमिक कोटिंग का बॉटल मिलेगा, एक आपको एप्लीकेटर, दो आपको एप्लीकेटर क्लॉथ मिलेंगे, साथ ही आपको एक स्पंज या फोम के फॉर्म में एक आपको एप्लीकेटर मिलेगा। करना क्या है, इस एप्लीकेटर क्लॉथ को लेना है, इसके ऊपर लगाना है और कुछ इस तरीके से आपको इसको होल्ड कर लेना है। इसके बाद आप सुपर सेरेमिक कोटिंग का जो शीशी है या बॉटल है उसको आप ओपन करेंगे और इस पर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और आपकी व्हीकल के ऊपर ज़िगज़ैग पैटर्न में, या फिर आप पहले हॉरिजॉन्टल लीजिए उसके बाद वर्टिकल लीजिए, या पहले वर्टिकल लीजिए या पहले बाद में हॉरिजॉन्टल लीजिए, कुछ इस पैटर्न में आप अपनी व्हीकल के ऊपर लगा सकते हैं। और उसका क्यूरिंग टाइम जो है वो 24 आवर्स है, कम से कम आप 24 आवर्स वेट कीजिए अपनी गाड़ी को बाहर ले जाने के लिए।
दोस्तों माइक्रोफाइबर क्लॉथ को आपको जरूर साथ में ऑर्डर करना है, क्योंकि माइक्रोफाइबर क्लॉथ के बिना आप अच्छी तरीके से गाड़ी को क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही इससे पहले आपको व्हीकल को अच्छी तरीके से वॉश भी करना है, वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से सुखाना है, और किसी भी तरीके का ऑयल या पॉलिश उसके ऊपर पहले से नहीं लगी होनी चाहिए। अगर लगी है तो आप किसी भी एल्कोहल बेस्ड यानी कि IPA का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको विप ऑफ कर सकते हैं, या फिर गाड़ी को फिर से धोइए, उसके बाद में ही इस सुपर सेरेमिक कोटिंग को आप यूज़ करिएगा, वो भी नॉन डस्टी इन्वायरमेंट में जहाँ पर डस्ट ना आती हो। तो उम्मीद है आपको ये सेरेमिक कोटिंग पसंद आएगी और आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के पेंट को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस सेरेमिक कोटिंग को लेके तो कृपया मुझे कमेंट में बताइए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद EV लवर्स।